एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने वाले बयान को मंत्री विश्वास सारंग ने सुर्खियां बटोरने वाला और ऐसे विधायकों का नाम साझा करने की बात कही थी। वही एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने साफ कर दिया है कि वो झूठ नहीं बोलते और राजनीतिक मर्यादा के चलते विधायकों का नाम नहीं बता रहे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात को खुलकर बोलते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो विधायक का नाम बताए ना। ऐसे जवाबी जमा खर्च करने से राजनीति नहीं चलती। अब मुद्दा यही है कि नेता प्रतिपक्ष जी की कुंठा इसी बात की है कि पूरी मीडिया की सुर्खियां तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह जी की स्थिति कांग्रेस में बहुत ही खराब हुई है और इसलिए मीडिया की सुर्खियों में आ जाऊं, इसलिए ऐसे सेंसेशनल बयान वो दे रहे हैं। इसमें ना यथार्थ है ना तथ्य है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार के खिलाफ जाकर उस समय के राष्ट्र को प्यार करने वाले विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी और ये मुद्दा जो अब गोविंद सिंह जी उठा रहे हैं, ये तो चुनाव जो मध्यावधि जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी उठा था और जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया था। अब ये भूले बिसरे गीत जैसा वो अलापे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा समाप्त हो चुका है। ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तलवार उन पर नहीं चलाना चाहता, लेकिन मेरा जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं सत्य बोल रहा हूँ 1000%। और हमसे संपर्क किया था कि हम यहाँ पछता रहे, गलत हमारे फंस गए, हमें धोखाधड़ी करके यहाँ हमें बुला लिया, हम चार लोग वापस आना चाहते। तो मैंने कहा भाई, हमारी पार्टी की नीति बन गई है कि जो छोड़ के गए, धोखा दे गए, उनको हम पार्टी में टिकट नहीं दे सकते। जो हमने उनको जवाब दे दिया है, अब जो पार्टी में हमारे पार्टी तय करेगी अनुसंधान समिति क्या करना है। ये हमारे हद के केवल गोविंद सिंह के कहने से ना मैं ले सकता हूँ, ना किसी को निकाल सकता हूँ। ये सब अधिकार हमारे पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी को है और अनुशासन समिति को है। मैं ये नहीं कह सकता, हम अपनी पूरी चंबल के मैं जो पूरी बात इसलिए नहीं कह सकता कि किसी के भविष्य को मैं उसने किसी ने विश्वास में हमसे किया है तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। और ये उचित है, कल जैसे ही आप लोगों ने, मैं तो बात में कह गया लेकिन बाद में उस वहाँ से हमसे बात हुई कि तो हम हमारा मरवाना चाहते हो। मैंने कहा भाई यार, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने स्पष्ट कह दिया, अभी तो ये तय है कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। जी, हमारे नेता कमलनाथ जी का आदेश है। ठीक।